बेईमानी आदमी जो बार बार एन के चौहान को धमकी दिए जा रहा है। देखो वो चित्तौड़गढ़ शमशान घाट की जमीन हमने कानूनी तौर पे ली है, मुझे इसमें कोई रुकावट कोई परेशानी नहीं चाहिए। और पता करो ये आदमी है कौन, सुनने में आया कोई मतलब छोटा मोटा सा कारोबार है इसका, तो समझाओ ना उसे, समझाओ उसे प्यार से, और जो कुछ भी उसे चाहिए मतलब खुश कर दो उसे। और अगर फिर भी नहीं माना तो कमिश्नर साहब को फोन करूंगा मैं, पुलिस के डंडे की जबान सबको समझ में आती। मुझे अभी भी पता चला है, ख्याति ने बताया कि वो एक्चुअली दीदी ने बताया कि ख्याति के लाइफ में कोई और लड़का, और फिर मैंने ख्याति से बातचीत की और पता चला कि वो विशाल से प्यार करती है, विशाल भैया से। तो मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है, पर ऑब्वियसली हिम्मत चाहिए थी ये बात आकर इनके को बताने के लिए, तो मैं ख्याति को लेकर आती हूँ। एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि ख्याति खुद बताए, बट ऑब्वियसली नंद किशोर के सामने सब चुप हो जाते हैं और ख्याति भी चुप हो गई। तो मैंने खुद ये बात पापा को बताई, नंद किशोर को बताई, और उसके बाद हम बहुत डरे हुए थे रिएक्शन के लिए, बट फॉर अ चेंज उन्होंने सीधा शारदा जी को कॉल किया, मम्मा को कॉल किया और उन्हें बुलाया है मिलने के लिए। तो फिलहाल तो हमें यही लग रहा है कि सब अच्छा होगा और वो भी इस रिश्ते के लिए हाँ ही कह रहे हैं। तो मिलने के बाद के कॉन्सिक्वेंसेस तो हम देख ही चुके हैं जी, क्या हो रहे जी। एक्चुअली बाद वाला सीन पहले शूट हो गया, तो हाँ मिलने के बाद तो मतलब एकदम जैसे कोई अपना मास्क उतारते हैं, और इनके बहुत इंसल्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करता है मम्मा को और विशाल को। तो ये सब सिर्फ नाटक था, इनके का तरीका था और भी ज़्यादा ह्यूमिलिएट करने का, पहले खुशी दे दी और फिर बाद में इतना बड़ा झटका। तो भाभी सुना है हमने कि लेके जाने वाली है कुणाल और मेघना से मिलाने के लिए। जी मेघना ये बात सुन रही थी और ह्यूमिलिएशन देखती है, तो वो बोलती है कि मैं खुद ये शादी कराऊंगी, लेकर जाऊंगी, बट आई डोंट थिंक वो भी बिल्कुल सही तरीका है उस चीज़ को करने का, क्योंकि एक बेटी और बाप का, बेटी और पिता का रिश्ता ख़राब होता है। तो नैना तो ये चाहेगी कि सब कुछ अच्छे से हो, लेट्स सी कि होता क्या है। क्या एक्चुअली हम सब यही चाहते हैं कि ख्याति और विशाल साथ में। थैंक यू सो मच, वेलकम।